इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग को पूछता हो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे आप लोगों को बताना है। तो बताइए, सबसे पहले मुझे क्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए। क्रोमियम, बट बिफोर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले तो मुझे इसका एटॉमिक नंबर बताइए आप। 24, वेरी गुड। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा आप लोगों ने। 2s2 2s2 2p6 3s2 3s2 4s2 4s2 3d4 3d4 okay. और अभी मुझे बताइए कि कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है जिसका एटॉमिक नंबर 29 बताइए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 3d9 4s2 3d9 वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पर जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो मुझे बताइए कौन से आउटर मोस्ट ऑर्बिट, क्रोमियम और कॉपर दोनों के केस में। 4s2 and 3d9। वेरी गुड, 4s2 and 3d4। तो यहाँ पर दो है और यहाँ पर कितने हैं, चार है। ओके, यहाँ पर भी 4s2 और 3d9 आप लोगों के आउटर मोस्ट शेल है जहां पर 9 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने लिखा हुआ है कॉपर और क्रोमियम के लिए। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये थोड़ा सा गलत है। ओके, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने लिखा है इससे थोड़ा सा अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअल में इसका होता है, और वो होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 and 3d5। ओके, और कॉपर का जो होता है वो होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 and 3d10। ओके, इस तरह का ये होता है। तो आप मुझे बता सकते हो ये वाला एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जो मैंने ग्रीन मार्कर से लिखा हुआ है, और जो आप लोगों ने लिखा, आप लोगों ने मुझे बताया जो मैंने ब्लू मार्कर से लिखा हुआ है ये एक्सपेक्टेड है, मतलब जो आप लोग को लग रहा था कि भाई ऐसा होता है बट एक्चुअल में वो ऐसा ना होकर ऐसा होता है जिसको हम एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो क्रोमियम और कॉपर के केस में आपका एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होता है, तो इसकी वजह आप में से कोई मुझे बता सकता है क्या? अच्छा, फर्क कहां पर आया वो ध्यान दो, उसके ऊपर फोकस करो, बताइए कहां फर्क आया हुआ है आपको। 3d and 4s पे सर, क्योंकि 3d पहले आता है इसलिए हम वहां जब से तो कोई फर्क नहीं, यहां तो भी मैंने वैसे लिखा है ना, फर्क कहां पर आया मेरे। अच्छा, ये जो क्रोमियम और कॉपर है मुझे बताइए ये क्रोमियम और कॉपर जो है ये कौन से एलिमेंट है, कौन से ब्लॉक के एलिमेंट है। आपको हमने एलिमेंट को ब्लॉक वाइज डिवाइड किया था ना, याद है पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को हमने ब्लॉक वाइज डिवाइड किया था ना, कितने ब्लॉक में डिवाइड किया था ऑल एलिमेंट्स को, 4 ब्लॉक भाई, 4 ब्लॉक थे ना वो, कौन से 4 ब्लॉक थे। SPDF। तो इसमें से क्रोमियम और कॉपर ये कौन से ब्लॉक के एलिमेंट है, कौन सा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, क्या होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब, मैंने ये भी समझा था आपको,
ब्लॉक एलिमेंट का मतलब क्या होता है भाई, बोलिए। अरे यार तुम ऐसे भूल जाओगे तो कैसे चलेगा केमिस्ट्री में। एलिमेंट्स इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंटर डी ऑर्बिटल, ऐसे लिखा था ना हम लोगों ने। डी ब्लॉक एलिमेंट का मतलब क्या होता है, ऐसे एलिमेंट जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आप लोगों के डी ऑर्बिटल में एंटर कर जाता है, उसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, तो इसका मतलब इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब देखिए जो चेंज हो रहा है ना यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, वो सिर्फ डी में चेंज हो रहा है, बराबर है, और एस में हो रहा है। बट क्योंकि ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है तो इसीलिए एस का मैटर उतना नहीं करेगा जितना हम लोगों के लिए डी मैटर करता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको? यस सर। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पर जो मेन फर्क आ रहा है वो आपके डी ऑर्बिटल में आ रहा है, और वो मेन फर्क क्या आ रहा है कि यहाँ डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? फोर। फोर। चार। लेकिन जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था उसमें कितने हो गए? फाइव। और कॉपर के केस में देखिए जो आपको लग रहा था जो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था उसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे डी में? नाइन। नाइन। बट एक्चुअल में उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? टेन। टेन है। तो मुझे बताओ इससे क्या फर्क पड़ा, कुछ फर्क पड़ता है क्या? मैंने कल आप लोग को एक स्पेशल केस बताया था नाइट्रोजन का, याद है आप लोग को? सर वो फुल फील्ड हो गया। क्या बोला था मैंने नाइट्रोजन में, कि नाइट्रोजन स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है सर? क्योंकि उसके हाफ शेल फील्ड होता है। एग्जैक्टली, हाफ फील्ड होते हैं उसके ऑर्बिटल। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? फोर है। फोर थे, लेकिन हम लोगों ने एक्चुअल में कितने हैं? फाइव। फाइव। पांच। इसका मतलब ये कैसा हो गया? हाफ फील्ड। हाफ फील्ड हो गया, क्योंकि डी में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? टेन। टेन। और यहाँ पर कितने? पांच है, मतलब ये हाफ फील्ड हो गया। और कॉपर के केस में देखिए डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? टेन। टेन, बराबर है। तो इसको मैं क्या कहूंगा, फुल फील्ड। फुल फील्ड या कंप्लीट फील्ड। तो ये दोनों केस में मैंने क्या बताया था कि ये दोनों अगर केस रहते हैं जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट या तो हाफ फील्ड रहेगा या तो कंप्लीटली फील्ड जब रहेगा, तब एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट स्टेबल। स्टेबल हो जाता। स्टेबल हो जाता है, बराबर है। और हर एटम खुद को स्टेबल करने की कोशिश करता है, करता है या नहीं? यस सर। राइट, तो उसको खुद को स्टेबल करने के लिए ये क्या करेगा, पहले अपने इलेक्ट्रॉन को एस के इलेक्ट्रॉन को वो डी में शिफ्ट कर देगा। समझ में आ रहा है? ये 4s में जो पहले दो इलेक्ट्रॉन थे, ये दो में से एक इलेक्ट्रॉन को वो कहाँ शिफ्ट कर देगा? आपके डी ऑर्बिटल में शिफ्ट कर देगा। इसी वजह से 4s में जहां पहले दो इलेक्ट्रॉन थे अभी एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, और डी में जहां पहले चार इलेक्ट्रॉन थे अभी कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? पांच हो गए। सेम चीज कॉपर के केस में होंगे कि देखिए इसके पास नौ इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा ना तो ये कंप्लीटली फील्ड हो जाएगा, और अगर ये कंप्लीटली फील्ड हो जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, बराबर है। तो इसीलिए वो खुद को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, ये 4s का जो एक इलेक्ट्रॉन है इसको वो शिफ्ट कर देगा यहाँ पर, बराबर है, जिसके वजह से फिर 4s में दो की जगह एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, और डी में जो नौ इलेक्ट्रॉन थे उसकी जगह अभी दस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और दस इलेक्ट्रॉन आने की वजह से ये जो एटम रहेगा ये कैसा हो जाएगा, स्टेबल। स्टेबल। स्टेबल हो जाता है। इसीलिए क्रोमियम और कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो आप लोगों ने लिखा हुआ है, उस लिखे हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग शो करता है। समझ में आ गया क्यों? यस सर।
वेरी गुड, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से हम लोग पीरियोडिक टेबल की मदद से किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, देन उसकी वैलेंसी और उसके एटॉमिक नंबर को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। देन तो अभी हम जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, दैट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी एंड एटॉमिक नंबर, ओके। इन सब चीजों का डिटरमिनेशन करना है, ठीक है। तो चलिए उसके बारे में हम देख लेते हैं। सर अब सब चेंज होंगे ना? नहीं नहीं, सिर्फ दोनों के ही चेंज होते हैं, सिर्फ दोनों के ही चेंज होते हैं, कॉपर और क्रोमियम सिर्फ दोनों के ही चेंज होते हैं, सबके चेंज नहीं होंगे, क्लियर है। क्योंकि देखिए सबके अगर आपने चेंज कर लिया होता, जैसे स्कैंडियम ले लो, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लोगों ने लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1 हो जाता है, बराबर है। यहाँ d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 तो इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? या तो 4 या तो 9। चार इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा? वो एस से लेगा क्या? चार इलेक्ट्रॉन एस से लेगा? नहीं, नो, एस के पास दो इलेक्ट्रॉन है ना, तो चार कहाँ से ले लेगा? और एस को आप खाली छोड़ सकते हो क्या? नहीं नहीं, आप ज्यादा से ज्यादा उससे एक इलेक्ट्रॉन ले सकते हो, है ना। उसके पास 2 रुपए है तो आप 2 के 2 रुपए उधार नहीं ले सकते हो, उससे 1 ही रुपया उधार ले सकते हो। समझ में आ रहा आपको? सर तो पी से, पी से अगर, पी से बहुत लंबा नहीं हो जाएगा क्या? यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना है, लंबी जंप मारनी पड़ेगी, पॉसिबल होगा क्या? नहीं। और अगर आपने ले भी लिया, ले भी लिया तो फिर पी में इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे ना, पी में कितना हो जाएगा? ठीक है, यहाँ 4 दे दिए, यहाँ 2 हो गए। अब भाई ऐसा आप करोगे क्या कि घर को बस बाहर से चकाचक रखोगे और अंदर से पूरी दीवार खोखली हो रही है, ऐसा जमेगा जमेगा क्या? या घर में खाने के लाले पड़े हैं, ऐसा चलेगा? नहीं चलेगा, बराबर है। तो इसीलिए वो पी से नहीं ले सकते, गेट इट? समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ओके, तो इसीलिए सिर्फ ध्यान में रखना कॉपर और क्रोमियम दो ही एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है और किसी का चेंज नहीं होता है, क्लियर है? यस सर। ओके, ठीक है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी और इलेक्ट्रॉन सॉरी क्या एटॉमिक नंबर कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले उसके लिए मुझे पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल आपको वापस से बताना पड़ेगा। तो बताओ ग्रुप वाइज फटाफट बताओ, सबसे पहला एच हाइड्रोजन, एल आई, एन ए, एन ए, के, ओके वेरी गुड। नेक्स्ट एस सी, एस सी, वाई, वाई, एल ए, एल ए, नेक्स्ट टी आई, जेड आर, एच आर एफ, ओके नेक्स्ट वी, टी ए, डी बी, हाँ वेरी गुड। नेक्स्ट सी आर, एम ओ, डब्ल्यू एस जी, एस जी, वेरी गुड। नेक्स्ट एम एन, टी सी, आर ई, बी एच, वेरी गुड। नेक्स्ट एफ ई, आर यू, ओ एस, एच एस,
very good. Next. CO. Hmm. RH. IR. MT. Hmm. Very good. Next. NI. PD. PT. DS. Next. CU. AG. AU. RG. Okay, very good. ZN. Next. CD. HG. CN. Very good. Next. B. Hmm. AL. Hmm. J. IN. TL. Next. C. Hmm. SI. GE. SN. PBFL. Okay, next. N. P. Yeah. N. P. A. S. S. B. B. I. Next. O. S. S. E. P. E. P. O. Very good. Next. F. C. L. B. R. I. A. T. H. E. M. E. A. R. K. R. Z. R. N. Z. E. R. N. ओके, तो ये हमारा पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल है। अब जैसे कि मैं बता रहा था कि इस पीरियोडिक टेबल से आज हम लोग नंबर ऑफ वैलेंसी, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर कैसे डिटरमाइन करना है ये हमको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि एटॉमिक नंबर हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, आप लोगों को पहले एलिमेंट्स के, पहले 10 एलिमेंट्स के नाम तो याद हो जाएंगे ना, मतलब एटॉमिक नंबर तो पता हो ही जाएंगे ना, तो वो करना जरूरी है। हाँ, अब हम एटॉमिक नंबर जो याद, मतलब जो ट्रिक यहाँ पर अप्लाई करेंगे वो ब्लॉक वाइज करेंगे, मतलब एस ब्लॉक के लिए अलग से, डी ब्लॉक के लिए अलग से, पी ब्लॉक के लिए अलग से, और एफ ब्लॉक का तो कोई मतलब ही नहीं, वो एक साथ में ही आ जाता है। ठीक है, डन। और तो अभी ध्यान दीजिए किस तरह से आप लोग को करना है। तो सबसे पहले हम एस ब्लॉक की बात करते हैं। तो एस ब्लॉक में अगर आप देखोगे यहाँ पर तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, बराबर है, और लिथियम का कितना होता है, 3 होता है, बराबर है। मतलब यहाँ कितने से एटॉमिक नंबर बड़ा हमारा, 2 से। देन लिथियम से सोडियम एटॉमिक नंबर हमारा कितने से बढ़ रहा है, 11, 8 से, 8 से बढ़ रहा है। सोडियम का 11 होता है, ठीक है, और फिर पोटेशियम का कितना होता है, 19। मतलब यहाँ पर भी हमारा एटॉमिक नंबर कितने से बढ़ा, 8 से। रुबिडियम का एटॉमिक नंबर अगर आप चेक करोगे तो कितना हो जाएगा, 37, बराबर है, कितना हो जाएगा, 37। मतलब यहाँ कितने से बड़ा हमारा एटॉमिक नंबर, 18 से, बराबर है। सेशियम का एटॉमिक नंबर चेक करो कितना है, 55, कितना, 55। मतलब यहाँ पर भी आप लोगों का एटॉमिक नंबर कितने से बड़ा है, 18 से। और फ्रांसियम का अगर आप देखोगे तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 87 होगा, कितना है चेक करो,
ये जो हम लोगों ने एटॉमिक नंबर के सामने जो डिजिट्स लिखे हुए ना, ये डिजिट्स आप लोगों को जो दिए हुए, इसको ना मैजिक नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? मैजिक नंबर्स। और ये मैजिक नंबर्स का यूज करके आप किसी भी एटम का क्या कर सकते हो? एटॉमिक नंबर आसानी से फाइंड कर सकते हो। जैसे एस ब्लॉक के लिए मैजिक नंबर क्या है? 2 8 8 18 18 32। ध्यान में रखना क्या है मैजिक नंबर आप लोगों के एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए? 2 8 8 18 18 32। ओके, तो ये आप एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए यूज कर सकते हो। एस ब्लॉक एलिमेंट मतलब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट्स के लिए, बराबर है। अब ध्यान दीजिए, जैसे आप लोगों ने यहाँ पर सारे के सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर लिख लिए, अब हम बेरिलियम से जाते हैं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है आप लोगों को पता होना चाहिए, कितना होता है? वो पहला एलिमेंट है तो ग्रुप 2 का 4। हाँ, अब इसका 8 से बढ़ा दो, कितना हो जाएगा? 12। इसका 8 से बढ़ा दो, कितना हो जाएगा? 20। इसका 18 से बढ़ा दो, कितना हो जाएगा? 38। इसका 18 से बढ़ा दो, कितना हो जाएगा? 56। कितना? 56। और इसका 32 से बढ़ा दो, कितना हो जाएगा? 88। गॉट इट? समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया? यस सर। तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स के मैजिक नंबर्स होते 2 8 8 18 18 32। ध्यान में रखना क्या है मैजिक नंबर्स उसके? 2 8 8 18 18 32। अब हम बात करेंगे टी ब्लॉक एलिमेंट्स की। टी ब्लॉक एलिमेंट्स के मैजिक नंबर्स क्या रहेंगे? तो ध्यान दीजिए, जैसे आप लोग को बेरिलियम का पता चला, बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है आप लोग का? 5 होता है, बराबर है। एल्यूमिनियम का कितना होता है? 13 होता है, राइट। देन गैलियम का कितना होता है? तो गैलियम का आप लोग का कितना हो जाता है बताइए मुझे, पता है आप लोग को? 31। बराबर है। इंडियम का, इंडियम का कितना है चेक कीजिए, टेल मी व्हाट इज द एटॉमिक नंबर फॉर इंडियम? 49। वेरी गुड, कितना है? 49। टेल्यूरियम का कितना है चेक कीजिए, 81 है। और ये लास्ट वाला जो है एनडी नुबिडियम, ठीक है, उसका देखिए उसका कितना दिया हुआ है आप लोग को? 130। बराबर है, कितना दिया हुआ है? 130। अब देखिए इसके मैजिक नंबर 5 से लेकर 8 के बीच में कितना फर्क आ रहा है बताइए? 3 का। 3 का नहीं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 5 एंड 13? 8 आ रहा है, बराबर है। 13 एंड 31 के बीच का डिफरेंस, इतना टाइम लग गया आपको? 18 31 एंड 49 के बीच का डिफरेंस, गॉट इट? समझ में आ रहा है क्या आपको? बेटा समझ में आया आपको? यस सर। तो मैजिक नंबर्स क्या आ गए आप लोग के टी ब्लॉक के लिए बताइए? 8 18 18 32 32। अब इसमें से किसी का भी अगर आप लोगों को बताए, चलो मैंने पूछा सेलेनियम का एटॉमिक नंबर बताओ, सेलेनियम का एटॉमिक नंबर बताओ, तो आप कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले आप पहले वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ध्यान में रखो, कितना होता है वो? इस कौन से ग्रुप में आता है ये? ग्रुप नंबर 16 में, जिसमें ऑक्सीजन आता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। ये आप क्या करोगे, मैजिक नंबर्स को ध्यान में रखोगे, ठीक है, और ये ध्यान में रखोगे कि सेलियम जो होता है वो 3rd नंबर पर आता है। मतलब आप 8 में पहले 8 डालोगे तो इसका 16 हो जाएगा, और फिर इस 16 में 18 डालोगे, कितना हो जाएगा?
34 बराबर है। ध्यान में रखना आप क्या करोगे, ये ऑक्सीजन का एट पता है, अब दो मैजिक फिगर आप लोग को डालना है, 8 और 18, तो प्लस 8 प्लस 18 तो कितना हो जाएगा 34। गेट इट डन, समझ में आ रहा है। इस तरह से मुझे बताओ एस्टेडाइन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह से बताना है, सबसे पहले आप किसका एटॉमिक नंबर बताएंगे यहाँ पर, एफ का एटॉमिक नंबर कितना है 9 है, बराबर है। हाँ, अब उसके बाद में अब आप मैजिक नंबर ऐड करोगे, बताइए कौन कौन से ऐड करने हैं, 8, 18 और 32 जिस रो में वो वाले रो का भी मैजिक नंबर ऐड करना पड़ेगा। तो अब करो 9 plus 8 85 होता क्या दारे? और ये 8, तो कितना हो गया टोटल 85। गॉट इट, समझ में आ रहा है आपको? यस सर, वेरी गुड। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पर, ठीक है, डी ब्लॉक के लिए। डी ब्लॉक के लिए दो तरह के मैजिक नंबर है, एक ग्रुप 3 और ग्रुप 4 के लिए होंगे और फिर ग्रुप 5 से लेकर ग्रुप 12 के लिए अलग होगा। ओके, तो ध्यान में रखना है यहाँ पर डी ब्लॉक में दो तरह के मैजिक नंबर होंगे, ग्रुप 3 और 4 के लिए अलग होंगे और ग्रुप 5 से लेकर ग्रुप 12 तक के अलग मैजिक नंबर होंगे। तो सबसे पहले हम ग्रुप 3 के बारे में बात कर लेते हैं। तो ग्रुप 3 में स्कैंडियम का कितना है 21 है, देन वेट्रीबियम का कितना दिया हुआ है आप लोग को 39 दिया, वेरी गुड। लैंथेनम एले का एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है आप लोग को 57 दिया हुआ, वेरी गुड। ओके, उसके बाद में एसी एक्टिनियम का कितना दिया हुआ है आप लोग को 89 दिया हुआ, ठीक है। अब जरा डिफरेंस देख लेते हैं, देखिए इसका यही आप लोग को ध्यान में रखना है। तो डिफरेंस क्या है, 21 प्लस 39 कितना डिफरेंस है 18 का, बराबर है। देन 39 और 57 डिफरेंस कितना है इसमें 18 का ही डिफरेंस है। 57 और 89 कितना डिफरेंस है 32 का डिफरेंस है। Got it? समझ में आ रहा है? ओके, तो ग्रुप 3 के लिए आपके मैजिक नंबर क्या है 18, 18, 32। ग्रुप 4 के लिए क्या है, तो ग्रुप 4 का एटॉमिक नंबर देखिए यहाँ 22 है, यहाँ 40 है। अब HF का एटॉमिक नंबर देखिए आप लोग कितना है, HF का एटॉमिक नंबर कितना है 72, वेरी गुड, 72 दिया हुआ है। और RF का देखिए, RF का कितना दिया हुआ है 104। तो यहाँ डिफरेंस कितने का आ गया, 22 और 40 डिफरेंस कितने का आ गया है 18 का, 40 और 72 डिफरेंस कितना आ गया 32 का, और फिर यहाँ पर भी डिफरेंस कितना आ गया 32 का, बराबर है। तो बाकी सारे के लिए आप लोगों का यही मैजिक नंबर रहेगा, ग्रुप 5 से लेकर बोला मैंने, ग्रुप 4 से लेकर ग्रुप 12 का मैजिक नंबर ये रहेगा, सिर्फ ग्रुप 3 का ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? यस सर, यस सर। ओके, तो ये आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, ध्यान में रखना है मैजिक नंबर। अगर आप लोग को मैजिक नंबर ध्यान में रहे तो आप किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर आसानी से बता सकते हो, और एटॉमिक नंबर बताना हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो लोअर लेवल की केमिस्ट्री नहीं, हायर लेवल की केमिस्ट्री, जहाँ पर एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने हैं। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर समझ में आ गया आप लोग को, डिटरमिनेशन? यस सर, यस। तो मैजिक नंबर ध्यान में रखना, एस ब्लॉक का मैजिक नंबर क्या है 288 18 18 32
ये लिख कर रख लो कहीं पर 2 8 8 18 18 32। देन टी ब्लॉक के मैजिक नंबर क्या है? 18 18 32। ओके, देन डी ब्लॉक के मैजिक नंबर ग्रुप सी के लिए क्या है? 18 18 32। और 4 से लेकर 12 तक क्या है? 18 32 32 है। क्लियर है? डन। सो दीज आर द मैजिक नंबर विद द हेल्प ऑफ व्हिच यू कैन डिटरमाइन द एटॉमिक नंबर ऑफ एनी कंपाउंड, ओके, सॉरी एनी एटम और द एलिमेंट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए, हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दैट इज इक्वल टू द ग्रुप नंबर, वो हमेशा ग्रुप नंबर के इक्वल होते हैं, बराबर है? डन। तो जैसे आप लोग बोलेंगे कि जो एलिमेंट ग्रुप वन में होते हैं उनका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? वन। कितना होगा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वन होगा, वेरी गुड। ठीक है, डन। जो ग्रुप वन एलिमेंट है उनका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वन होगा। ग्रुप टू का? टू होंगे। ग्रुप थ्री का? तीन होंगे, बराबर है। ग्रुप चार? चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, दिन 12 13 14 15 16 17 18, बराबर है? ऐसे बोलेंगे आप लोग? हाँ या ना? सर सिर्फ फोर तक ही। या सिर्फ फोर तक? अच्छा, फाइव के बाद में चेंज हो जाएंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन? हाँ। यस सर। क्यों? क्योंकि वैलेंस में। तो देखिए, एक्चुअली नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो डिपेंड करते हैं आपके नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल के ऊपर, ठीक है? देन अब देखिए, नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल को समझने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हर एक ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? हर एक ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कल जब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था उसके हिसाब से थोड़ा सा अभी आपको आइडिया क्लिक हो जाएगा। जैसे देखिए, कल आप लोगों ने हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम तक के एलिमेंट के, रुबिडियम का भी लिखा होगा, रुबिडियम तक के एलिमेंट्स का आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा होगा, बराबर है? राइट, ठीक है। तो देखिए, हाइड्रोजन का आप लोगों ने लिखा होगा लास्ट में इसका 1s1 आया था, वही था पहला लास्ट। लिथियम का लास्ट में आया था 2s1, सोडियम का लास्ट में आया था 3s1, पोटेशियम का लास्ट में आया होगा 4s1, रुबिडियम का लास्ट में आया होगा 5s1, बराबर है? यस सर। हाँ, और आपको पता है कि यहाँ पर सब s1 कॉमन है, और ये 1 2 3 4 5 ये सब क्या है? नंबर ऑफ पीरियड है जिस पीरियड में ये बिलोंग कर रहा है। देखिए, जैसे हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड में बिलोंग कर रहा है, लिथियम सेकंड में, सोडियम थर्ड पीरियड में, पोटेशियम फोर्थ पीरियड में, और रुबिडियम फिफ्थ पीरियड में डिपेंड कर रहा है, बराबर है? मतलब आउटर मोस्ट शेल। तो इस तरह से आप क्या बोल सकते हो कि ग्रुप वन एलिमेंट्स का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो ns1 हो जाएगा, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल। सही है? यस सर, बराबर है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ s ब्लॉक एलिमेंट क्या होगा? ns1। तो बताइए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप टू एलिमेंट क्या होगा? ns1। वेरी गुड, क्या हो जाएगा इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? ns2 हो जाएगा। अब अगर आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स को चेक करोगे, इसके आउटर मोस्ट शेल में जैसे आप स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनडियम, क्रोमियम, मैंगनीज वगैरह लिखे होंगे, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में आप लोगों ने लिखा होगा 4s1, सॉरी 4s2 3d1, बराबर है? यस। देन यहाँ पर 4s2 3d2 देन 3d3, एक-एक इलेक्ट्रॉन डी में बढ़ रहे थे, बराबर है? यस सर, है ना। और जैसे क्रोमियम के केस में 4s1 आ गया था और 3d5 आ गया था, और कॉपर के केस में मैंने अभी आपको बताया था 4s1 आ गया था और 3d10 आ गया था, बराबर है? तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान में आ रहा है, 4 और 3, 4 क्या है? क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट फोर्थ पीरियड में प्रेजेंट है, मतलब फोर्थ इज द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, तो 4s को मैं ns लिख सकता हूँ, क्योंकि n की वैल्यू चेक होगी, बराबर है? यहाँ इन एलिमेंट्स के लिए n की वैल्यू 4 है,
तो इन एलिमेंट्स के लिए एन की वैल्यू क्या होंगी? ये वाले एलिमेंट्स के लिए एन की वैल्यू क्या होंगी? फाइव होंगी। पीरियड के ऊपर डिपेंड करेगा। इन एलिमेंट्स के लिए एन की वैल्यू क्या होंगी? सिक्स। और इन एलिमेंट्स के लिए एन की वैल्यू क्या होंगी? सेवन। बराबर है। इसीलिए हम क्या करेंगे, बाकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वही रहेंगे। यहाँ पर भी कैनेडियम में 2-1 थे, तो यहाँ पर भी 2 और 1 ही रहेंगे, यहाँ पर भी 2 और 1 ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे कभी। ओके, इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम बोल सकते हैं यहाँ पर NS, मतलब ये जो 4s है उसकी जगह हम NS लिख सकते हैं। और 3d, अब n की वैल्यू अगर मैंने 4 ली तो 3 का मतलब क्या होगा, n माइनस 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, n की वैल्यू अगर मैंने 4 लिखा तो 3 मतलब मैं क्या लिख पाऊंगा, n माइनस 1 लिखूंगा। हाँ या ना? हेलो, आवाज आ रही क्या मेरी? यस सर। हेलो, देखिए भाई मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि अगर मैं n की वैल्यू 4 ले रहा हूँ तो फिर 3 को आप कैसे लिख सकते हो, मतलब 4 इक्वल्स टू n, देन 3 इक्वल्स टू व्हाट? n माइनस वन लिख सकते हो ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ns, तो d के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, n माइनस वन d। बराबर है। अब नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन थे s में, कभी s में 2 इलेक्ट्रॉन थे तो किसी किसी केस में 1 इलेक्ट्रॉन थे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1, 2, 2। ओके, और d में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 से लेकर पूरे 10 तक इलेक्ट्रॉन थे, तो हम लिखेंगे 1, 2, 10। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा किसका, आप लोगों के d ब्लॉक एलिमेंट्स का। समझ में आ रहा है, d ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अरे हाँ आया ना? यस सर। पक्का आया क्या दिमाग में? नहीं सर। तो उसके लिए ना आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मुझे आप लोगों ने लिखा है ना ये 2 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये 2 चीजों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये और ये, ठीक है, ये 5 तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ फटाफट। कैडमियम का और लास्ट वाले एलिमेंट बताना, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉनिक। कैनेडियम के लास्ट में क्या था आप लोग का, 4s2 3d1 था, बराबर है? यस। देन वाइट्रीबियम का क्या था, चेक करो, 5s2 4d1। यस, चेक करो आप लोग, ठीक है। टाइटेनियम का आप लोगों ने क्या लिखा था, टाइटेनियम का आप लोगों ने लिखा था 4s2 3d2, और फिर टाइटेनियम के नीचे कौन आ गया, जिर्कोनियम, जिसका आप लोगों ने लिखा होगा 5s2 4d2। बराबर है, डन? यस, समझ आ रहा है। देन उसके बाद में वैनेडियम का आप लोगों ने लिखा होगा 4s2 3d3।